दोस्तों रेडमी मार्केट में अपनी K30 सीरीज के एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जो कि रेडमी K30 अल्ट्रा नाम से लॉन्च किया जाएगा और इसे लेके अभी तक कई लीक्स हुए खुलासे सामने आ चुके हैं। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि रेडमी K30 अल्ट्रा इस सीरीज के आखिरी स्मार्टफोन हो सकता है और इसके बाद कंपनी नई सीरीज को पेश करेगी। साथ ही रेडमी K30 अल्ट्रा की लॉन्च डेट को लेके अभी तक कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं की गई है, लेकिन एक चीनी रिटेल की वेबसाइट पे पोस्ट किए गए शॉपिंग फेस्टिवल कैलेंडर से पता चलता है कि 14 अगस्त को रेडमी K30 अल्ट्रा को रेडमी वॉच के साथ पेश किया जा सकता है। साथ ही ये फोन लॉन्च से पहले टीना पे लिस्ट हो गया है, जहां इसके स्पेसिफिकेशन और डिजाइन का खुलासा किया गया है। इसके अलावा चीनी की सर्टिफिकेशन साइट टीना पे रेडमी का अपकमिंग स्मार्टफोन मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है और अंदाजा लगाया जाता है कि रेडमी K30 सीरीज का नया स्मार्टफोन रेडमी K30 अल्ट्रा हो सकता है। लिस्टिंग में अपकमिंग स्मार्टफोन की इमेज भी शेयर की गई है और इमेज को देख के ये कहा जा सकता है कि इस फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसमें पंच होल कटआउट या फिर वाटर ड्रॉप नॉच नहीं दिया गया है, साथ ही फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी नजर नहीं आता है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही रेडमी K30 अल्ट्रा की इमेज के बैक पैनल में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों रेडमी K30 अल्ट्रा की स्पेसिफिकेशन की बात करें, जो कि के अनुसार इस फोन में 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। इस फोन में 2.6 गीगाहर्ट्ज का चिपसेट पे काम करता है। साथ ही अभी तक इसकी चिपसेट के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक सामने आए लीक्स के अनुसार इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं टीना पे ये फोन स्टोरेज मॉडल में लिस्ट किया गया है और यहाँ पे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, इसके अलावा 8GB रैम, 256GB स्टोरेज और साथ में 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल में शामिल है। साथ ही टीना लिस्टिंग में ये कहा गया है कि रेडमी K30 अल्ट्रा में कुल 5 कैमरे सेटअप होंगे और पीछे की तरफ 4 कैमरे सेटअप देखने को मिल जाएंगे और इसका मेन कैमरा 64MP का होगा, जबकि सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 20MP का पॉपअप सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ इस फोन में 5G सपोर्ट के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वहीं पावर बैकअप की बात करें, जो कि इस फोन में 4500mAh की बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में कंपनी ने ज्यादा खुलासा नहीं किया है, तो ऐसे में हम आगे भी अपडेट करते रहेंगे। साथ ही कंपनी ने अभी तक इस फोन की प्राइस और इंडिया लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। वैसे इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें, जो कि इस फोन को 30,000 रुपए के प्राइस में देखने को मिल जाएंगे और इसे इंडिया में सितंबर तक के महीने में लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।